How to fix OAuth renderer error 7001 problem. हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप OAuth पर कोई वीडियो प्ले करते हैं बट वो वीडियो जो प्ले नहीं होती वहाँ पर रेंडरर लिखा आता है, एरर आता है आगे एंड एक कोड आता है जिसमें 7001 लिखा आता है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स करोगे वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताऊँ। उससे पहले ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कुछ तरीके से ये प्रॉब्लम फिक्स होगी जो कि रेंडरर क्या रही है एरर। बेसिकली ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन एप्लीकेशन में आती है जो एप्लीकेशन एक तो कहीं से मतलब अदर वेबसाइट से वगैरह डाउनलोड कर रखे होते हैं मोडीपे के वगैरह, तो उस केस में यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है क्योंकि OAuth का जो अकाउंट होता है वो हमें पकड़ लेता है कि हमने कुछ जो है गड़बड़ तरीके से आपका मतलब OAuth का एप्लीकेशन जो है डाउनलोड किया है, तो उस केस में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। तो एक तो अगर आपने उस तरीके से किया है फिर इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो एप्लीकेशन जो है मोड होता है और वो काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। बट अगर आपका सही जेन्युइन एप्लीकेशन है और फिर भी उसमें अगर आपको दिक्कत आती है तो कुछ तरीके हैं जिससे आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले काम तो आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना है, एक बार फ़ोन को बंद करिए और फिर चालू कीजिएगा एंड देन फिर से वापस से देखिए, आपका जो है एरर हट जाएगा। कभी कभार सर्वर की इश्यू आ सकती है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करके खोलिए और देन OAuth के अंदर चले जाइए, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। बट बाय चांस अगर नहीं होती है तो अगला जो है तरीका है उसे यूज़ कीजिए। उसके लिए आपको आपका जो है प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पर OAuth लिख दीजिएगा, OAuth एप्लीकेशन इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर इसे जो है एक अगर कोई अपडेट यहाँ पर दिखाता है, अपडेट लिखा आता है, तो OAuth को आप यहाँ से जो है अपडेट करवा लीजिएगा। कभी कभार अपडेट ना करवाने से भी जो है आपको प्रॉब्लम दिक्कतें आ सकती है, तो आप इसे एक बार अपडेट करवा लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आराम से जो है फिक्स हो जाएगी। इसके अलावा एडिशनल तरीके से अगर आप फिर भी कोई भी मतलब आपकी कोई पर्टिकुलर सिर्फ एक ही वीडियो नहीं चल रही बाकी सभी चल रही है, तो उस केस में आप जो है अपने ब्राउज़र को ओपन कीजिए, यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल में OAuth, यहाँ पर OAuth की वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट के ज़रिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सेम इंटरफेस या फिर सारी चीज़ें वही मिल जाती है जो कि एक तरह से मिलती है मतलब OAuth एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर भी वही मिल जाएगी, तो इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी मतलब यहाँ पर कोई कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।